भगवति विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षतम श्री उष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरात रूपोपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर् श्री रूपकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साक्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादे विचारणो नहि नवा कालप्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रुणे क्षण प्रणमन ध्यानादि भिर्दुर्लभं दत्ते भक्ति रसं सैव भगवान् गौरः परं नो गतिः अज्ञानिति ग्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुरवे नमः यं पब्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो गृहकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया परमो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाथ श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिस्सेव्य मानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वैशीवट्टतस्थितः कर्षन्वेणुस्वनै गोपी गोपीनाथश्रियोऽस्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्रा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय। आज सुखदेव जी का जन्म अमावस्या श्री पंडित परम मंगल श्री विरक्त श्री बृहद्भागवतामृत श्री नारद जी ब्रजवासियों की ब्रज गोपिकागणों की महिमा का निरूपण कर रहे हैं और ये निरूपण कराए कि गोपियों के और ब्रजवासियों के अनुगत्य को ग्रहण करने के लिए हे गोप कुमार यदि तुम चाहो तो यहाँ पर भी जगन्नाथपुरी विराजमान हैं श्री इस बैकुंठ में इस दिव्य ऊर्ध द्वारिका में भी पास में ही श्री शंख क्षेत्र विराजमान है वहां पर जाकर के भी भजन कर सकते हो। परंतु दैन्य जो है वो दैन्य विशेष रूप से प्राप्त हो और दैन्य की मेहमान निरूपण कराए कि दैन्य होने पर भक्ति विशेष रूप से उत्पन्न होती है। अब 227वें श्लोक में कह रहे हैं विरह भाव कि दैन्य में विरह भाव विशेष रूप से उत्पन्न होता है। विरह भाव में दैन्य विशेष रूप से उत्पन्न होता है। उस विरह भाव की विशेषता बता रहे हैं विरह के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि विरह ऊपर से कष्टात्मक है दुखात्मक है परंतु भीतर से परम परम सुखात्मक एक तरह से विषामृत एकत्र मिलन उसका जो स्वरूप श्री महाप्रभु ने जो वर्णन किया श्री चैतन्य चरितामृत में उसी स्वरूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। विरह के तत्व का निरूपण कर रहे हैं
कि विरह ऊपर से भले दुखात्मक हो परंतु भीतर से परम परम सुख देने वाला, और जब विरह की प्राप्ति होती है तो भक्त को, प्रेमी को अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। करोड़ों करोड़ वर्षों से जीव का तापक क्लेशानंद, मैं कृष्ण से अलग हो गया हूं, इस हाय कृष्ण का मुझे, मेरी परम सफलता कृष्ण में ही है और मैं कृष्ण से अलग पड़ा हुआ हूं, ये विचार ही उसके मन में नहीं है, ये दुखी ही उसके मन में नहीं है कि मेरी परम सफलता है कृष्ण चरणों में और मैं कृष्ण चरणों से दूर हो रहा हूं, हो गया हूं या दूर पड़ा हुआ हूं, अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं किया है मैंने। ये सुनकर के ये विचार भक्त के हृदय में दीनता उत्पन्न करता है। वो उसी दैन्य के विषय में कह रहे हैं, विरह के विषय में कह रहे हैं कि ये दैन्य विरह में सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। अब कह रहे हैं 227वां श्लोक के दावार्ची दावानलार्ची यमुनाम मृत दावर दावानलार्च यमुनाम मृतम भवेत तदा तदप्यग्नि शिखेव यद बताम विषम च पीयूष महो सुधा विषम मृत्युम सुखम जीवन मार्त वैभवम। ये विरह बड़ी अद्भुत वस्तु है, विरह की महिमा कि तुम्हारे हृदय में विरह उत्पन्न हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और विरह की महिमा गायन कर रहे हैं श्री नारद जी, गोप कुमार से कह रहे हैं कि दावा नल अर्चित, कि विरह में दावा नल की अर्ची माने लपटे, दावा नल की लहर है लपटे, वे तो यमुना मृतम भवे, यमुना के जल के समान शीतल हो जाती है। तथा तदप्यत्न शिखेव यद बता, और अग्नि की जो शिखा है वो अग्नि की शिखा भी तदपि तद बता, जो विरह भाव को धारण करने वाले हैं उनके लिए अग्नि की शिखा भी यमुना जल के समान, यमुना प्रवाह के समान शीतल हो जाती है। विषम च पीयूष महा अहो, तो विषम च पीयूषम अहो, और देखो विष भी अमृत के समान हो जाता है, और अहो सुधा विषम, और जो अमृत है स्वर्ग का अमृत वो हो जाता है विष, विष हो जाता है अमृत, अमृत हो जाता है विष। दावानल की लपटें हो जाती हैं, यमुना की शीतल धारा अग्नि हो जाती है सुंदर शीतल जल, विष हो जाता है अमृत, अमृत हो जाती है सुधा, और अमृत हो जाता है विष, और मृत्युम सुखम जीवन मात वैभवम, मृत्यु हो जाती है सुख और जीवन मार्ति, आरती जो है वही मानो जीवन का वैभव बन जाती है, दुख ही जीवन का वैभव बन जाता है। ये विरह अद्भुत होकर के विराजमान, सुख दुख सब उल्टा पलटा कर देता है। यतो विवेक्तिम नहि शक्यते धा वेदस्य संभोग वियोग योनयः। अब वियोग में वियोग है कि संयोग है, ये वर्णन करना भी कठिन है। विरह के तत्व का वर्णन चल रहा है कि विरह में यतो विवेक्तुम न शक्यते धा, स्पष्ट रूप से ये नहीं विवेचन किया जा सकता है कि या मिलन है कि विरह है, विरह मिलन दोनों एक हो जाते हैं, मिलन में विरह, विरह में मिलन। ससंभोग वियोग योजना, संभोग और वियोग इनमें जो भेद है उस भेद का भी वर्णन कर सकना इस वियोग में संभव नहीं होता है। तथेदम आनंद भरात्मकम, इस प्रकार ऊपर से तो व्यक्ति रोता है और भीतर से प्यारे का स्मरण करके परम परम आनंदित होता है। तो इस प्रकार आनंद भरात्मक होकर के वह विरह विराजमान है, अथवा महाशोकमय वस्तु, ये आनंद भरात्मक है, आनंद की अधिकता वाला है कि महाशोकमय है, यह भी निर्णय कर सकना संभव नहीं है। तो ये विरह आनंदात्मक है कि वियोगात्मक है, या
निश्चय करना भी परम परम कठिन हो जाता है। भवन्ति संपत्तिदेन यस्यो सदा मोहोन्मत्त विचेष्ट नानि यस्य संपत्ति उदयेनो। इस विरह की जब संपत्ति उत्पन्न होती है, विरह की संपत्ति क्या है? अश्रु, रोमांच, विलाप, व्याकुलता, पीड़ा, ये सब विरह की संपत्ति है। तो विरह की ये संपत्तियां जब उत्पन्न होती हैं, चिंता, उद्वेग, व्याकुलता, ये जो विरह की सारी संपत्ति है, माने स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संजय, अभिलाषा, अनुचिंतन और स्मृति और मरण, ये जो विभिन्न जो दशाएं हैं, ये दशाएं विरह की जो दशाएं हैं, दस दशाएं, ये दस दशाएं ये ही संपत्ति होकर के विराजमान हैं। और इन संपत्ति का उदय हो जाने पर सदा महोन्मत्त विचेष्टतानि, व्यक्ति उन्मत्त होकर के चेष्टा करता है। स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संजय, अनुचिंतन, मरण, व्याधि, ये सारी की सारी जो विरह की जो विभिन्न दशाएं हैं, दस दशाएं वर्णन की गई, वे सब महा उन्मत्त विचेष्टा को, चेष्टाओं को प्रकट करने वाली हो जाती हैं। नय बिना संजय सुखम सा, वियोग के बिना तत्वतः मिलन का सुख उत्पन्न ही नहीं हो सकता। विरह तो मिलन के सुख को उत्पन्न करने वाला है। नव प्रकारात मुकुंद भक्ति, और नौ प्रकार की मुकुंद की भक्ति, वो भी विरह के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती है पूरी तरह से। जब तक अयोग नहीं हो तब तक योग नहीं होगा, तब तक सिद्धि नहीं होगी, तब तक उसकी भुक्ति नहीं होगी। तो पहले अप्राप्ति, अप्राप्ति के बाद में योग, योग के बाद में सिद्धि, सिद्धि के बाद में भोग, ये चारों जो क्रम है ये है योग के। और अयोग होने पर भी, अयोग जो है उसमें पहले संयोग, संयोग के बाद में वियोग, वियोग के बाद में पीड़ा, और फिर इसके बाद में पुनः संयोग। तो ये चार योग और अयोग जितने भी रस हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये सारे रस दो प्रकार के हैं। श्री जी गोस्वामी जी रस मन प्रीति संदर्भ में निरूपण कर रहे हैं कि रस के दो प्रकार हैं, एक है योग, एक है अयोग। अब योग जो है उसकी भी चार स्थिति है, पहले अप्राप्ति, अब उसका उदाहरण है जैसे नंद बाबा विचार कर रहे हाय हमारे कोई संतान नहीं है, यह अप्राप्ति की स्थिति हुई। फिर यशोदा जी के गर्भ में कन्हैया आए और ब्रज में महामहोत्सव, अभी कन्हैया का जन्म नहीं हुआ है और महामहोत्सव प्राप्त हो गया, यह प्राप्ति। तो पहले अप्राप्ति, फिर आज कन्हैया नंदवाड़ा के तप का परिणाम फलित हुआ है, बालक कहीं जन्म देगा, ये अप्राप्ति। फिर प्राप्ति, ये प्राप्ति की स्थिति हुई। फिर प्राप्ति की स्थिति होकर के सिद्धि, तीसरी स्थिति है सिद्धि। सिद्धि का कन्हैया का जन्म हुआ आज, आ महोत्सव हो रहा है, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की हो रही है, ये सिद्धि। फिर सिद्धि के बाद में भुक्ति, भुक्ति क्या है? बोले आज कन्हैया घुटमन चल रहा है, आज कन्हैया का नामकरण है, आज कन्हैया बोल रही है, आज दांत निकले, आज कन्हैया ने करवट बदली, आज कन्हैया घुटमन चलते हुए विराजमान हुए, ये भोग। तो अप्राप्ति, फिर प्राप्ति, फिर सिद्धि, फिर भुक्ति, ये चार योग की जो स्थिति है, वो योग की स्थिति भी चारों प्राप्त होती है। तो नय बिना संजयते सुखम सा, ये विरह के बिना सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है। और नौ प्रकार की मुकुंद भक्ति, वह भी बिना वियोग के पूर्ण सुखदायी होकर के विराजमान नहीं होती है। अभियोग क्या है? क्या बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं, यथाए शाको लवणम बिनई बो, वो बढ़िया शाक हो, सारे मसाले हो और नौन नहीं हो, तो नौन के बिना जैसे शाक बेकार, यथाए शाको लवणम बिनई बो, बिना
लवण के जैसे शाक, और क्षुधा बिना भोग के चयो यथाचो, भूख नहीं हो और सामने 56 भोग परोसे हुए रखे हुए हो तो वो किस काम के। और बिना से बोधात एव शास्त्र पाठ, बस शास्त्र को पढ़े चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, मंत्र मंत्र का अर्थ पता नहीं है। तो बिना अर्थ बोध उनके लिए शास्त्र, शास्त्र में कहा गया कि स्थानुरेम भारक किलाभूत आदित्य वेदम न बिजानाते अर्थम, जो व्यक्ति वेद को पढ़ करके भी वेद के तात्पर्य को नहीं जानता है, श्लोकों के अर्थ नहीं जानता है, तो वो कैसा है। बोले जैसे कोई थूनी, कोई खंबा है और उसके ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है, अब वो छप्पर का भार उठा रहा है परंतु छप्पर का स्वाद नहीं है, तो वो तो छप्पर का भार उठाने वाला है। तो स्थान वो थूनी के समान, वो भार हरा है, केवल वजन ही वजन उसको सदा वजन 24 घंटे अपने सिर के ऊपर उठाना है, बस स्थान की तरह से है। तो स्थान भार हर के लाभूत आदित्य वेदम न बिजाना के अर्थम, जो वेद पढ़ करके भी उसके अर्थ को नहीं जानता है। तो ये कह रहे हैं बिना बोधा एवं शास्त्र पाठ, बिना अर्थ बोध के शास्त्र का पाठ, और बिना फलम बिना राम गढ़ो आराम गढ़ो यथैव, और जैसे कोई बहुत बढ़िया बगीचा हो और उसमें फल नहीं हो तो किस काम का बगीचा। सो आराम कहते हैं जो फल का बगीचा है ऑर्चिड, उसके बिना जैसे फल नहीं है ऑर्चिड नहीं है तो जो बगीचा है गार्डन, वो गार्डन किसी काम का नहीं, पेड़ ही पेड़ है, दूसरे नीम नीम के पेड़ क्या देखेगा उसमें। तो उसकी विशेष रूप से फल भी उसमें होने चाहिए, इसी प्रकार बिराई मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है। सामान्यतः किंचित उत्तम, इस प्रकार ये विरह के एक तत्व को बहुत सामान्यतः मैंने कहा, वक्तुम विशेषण न शक्यते तत्, उसका विशेष रूप से मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। प्रेमा तो कृष्ण ब्रज योषताम, यह ब्रज गोपिकागणों का कृष्ण में जो अपूर्व प्रेम है, तत्व आख्यातम अलग कथम स्यात, उसको पूरी तरह से वर्णन करना, गोपियों के प्रेम का पूरी तरह से तत्वतः उनका आख्या को मैंने वर्णन करना कथम स्यात, वह कैसे संभव हो सकता है। अलग माने पर्याप्त मात्रा में, तो पर्याप्त मात्रा में उसका वर्णन, पूर्ण तरह से उसका वर्णन करना, यह कभी भी संभव नहीं होता है। अलम शब्द जो है वो निषेध के अर्थ में, पर्याप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अलम पर्याप्त, अलम शब्द जो है वो पर्याप्ति के अर्थ में भी है, अर्थात पूर्ण रूप से गोपियों की महिमा का गायन नहीं किया जा सकता है। अब गोपियों की महिमा, उसके लिए फिर से कहने लगे, कहते हैं पर वो प्रेम इतना भारी है कि कहीं बिना रहा नहीं जाता है, उस नारद जी की जीव में कुछ नहीं चलने लगते है और कुछ चलने लगते हैं। तो कहते हैं कृष्ण गते मधुपरी पथ बल्लवी नाम भावो भवत सपदियो लय बन्नति ब्रह, और एक श्लोक में ही अभी ब्रज लीला का तो पूरा वर्णन हो गया, अब मथुरा लीला रहेगी थोड़ी, प्रसंग के अनुसार तो प्राप्त है ही है कि श्री कृष्ण मथुरा पर हारे, तो उस लीला का केवल संकेत, आगे की जो लीलाएं हैं ब्रज की लीला तो पूरी वर्णन कर दी, सारी रास लीला और गोवर्धन धारण और काली मर्दन सारी लीलाओं का वर्णन किया था, अब मथुरा गमन की जो लीला है उसका विरहकार एक भूमिका बना करके, विरह भी परम सुखात्मक है ये भूमिका बना करके अब विरह का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण गते मधुपुरी पथ बल्लवी नाम, श्री कृष्ण जिस समय मथुरा में पधारे उस समय भावो भव सपदियो लय बंध तीव्र, ब्रज गोपिकागणों में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि जो कि प्रलय की अग्नि से भी तीव्र था। प्रलय में जैसा आग जलती है, वर्षा नहीं होती है 100 वर्षों तक पृथ्वी, और उस समय यह कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो किसी आलू में ऊपरा की तरह से जल करके लाल हो जाती है और अपने आप फट जाती है, जैसे कोई आलमा ऊपरा है, खपा हुआ ऊपरा नहीं, मगर पूरा पूरा आलमा ऊपरा उसे कहते हैं, आलमा उसे कहते हैं जो
गोबर गैया का पड़ा हुआ है और वो पड़ा पड़ा ही सूख जाए, उसका नाम हाँ वो कंडा आलना उपरा। तो जो आलना उपरा है वो जैसे जल करके अपने आप फट जाता है फिर तो उसमें दरार आ जाती है, इसी प्रकार पृथ्वी भी एक कंडा की तरह से आलना उपरा की तरह से फट जाती है। ऐसी जो ग्रहाग्नि लय बंधती ब्रह प्रलय की बंदी के समान अग्नि के समान तीव्र इन ब्रजगोपकारों को विरह की प्राप्ति हुई। भावो भवत सवती यह लय बंद तीव्र प्रेमास्य हेतु उत तत्व मिदम हित मा तद विशेषम अपरम बद बोध निच्छ प्रेमास्य हेतु। अब इसका कारण गोपियों को जो जितना विरहताप हुआ उसका कारण प्रेम है, तत्व मिदन में तस्यो या ये विरह का कोई तत्व है। प्रेम के कारण उनको इतनी पीड़ा हुई कि विरह का स्वभाव ऐसा है कि उसके कारण इतनी पीड़ा हुई। ये विवेचन माने गोपियों के अपने हृदय से आ रहा है कि वस्तु का प्रभाव है, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, ये जो कष्ट है ये गोपियों के अपने हृदय के कारण आया कि यह वस्तु के कारण कहीं उत्पन्न हुआ। इस तत्व को मत पूछो, अर्थात प्रेम साधक के हृदय में भी है और प्रेम तत्व भी ऐसा है कि वह भी विरह प्रदान करने वाला है। दम जैसे कृष्ण का रूप भी बड़ा सुंदर है और देखने वाली गोपी की आंखें भी उसको सुंदर देखती हैं, तो दोनों बातें। कभी कभी ऐसा होता है कि रूप सुंदर नहीं होता है, देखने वाली आंखें सुंदर होती हैं। जगत में ऐसा ही होता है कि वस्तु सुंदर नहीं होती है, आंखें उसको सुंदर देखती हैं। कहा जाता है कि मैंने लैला सुंदर नहीं थी परंतु मजनू उसको देखता था सुंदर रूप में। तो वस्तु सुंदर नहीं है परंतु यहां पर तो वस्तु भी सुंदर है और देखने वाली आंखें भी अपूर्व सुंदर है। जगत की वस्तु जगत का जो सुंदर है वो तो घृणा में ही परिणत होने वाला है। श्री रुक्मणी देवी निरूपण कर रही है कि संसार का जो सौंदर्य है वो तो तत्स्मश्रुरोम नखकेश प्रनद्वंतर मांसाक्षी रक्त क्रमिवित कफवित बातम जीवत छवन जीवित शव है। भजत कांत मजन दुमूढ़ा याते पदार्थ जो मकरंद मजि घृति स्त्री। तो जगत का जो सौंदर्य है वो तो कहीं वृतृष्णा घृणा जुगुप्सा को ही उत्पन्न करने वाला है, परंतु देखने वाली जो आंखें हैं वे उसको सुंदर देखती हैं। तो ये जगत का जो सौंदर्य है वो कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, परंतु यहां पर श्री कृष्ण वे भी परम सुंदर है। ऐसा नहीं है कृष्ण सुंदर नहीं है, कृष्ण भी महा महा सुंदर और देखने वाली आंखें भी श्री स्वामी जी की, उनका प्रेम भी परम परम सुंदर, दोनों ही वस्तुएं परम परम उत्कर्ष को प्राप्त है। तो विरह इतना कठिन है कि प्रेम जो अनुभव करता है वो कठिन है ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मां तद विशेषम अपरम, अब इस विरह की अन्य जो विशेषताएं हैं उनको अरे भैया गोप कुमार पूछे मत, उनको आप छोड़ दे, उनका वर्णन करने बैठूंगा तो कहां तक वर्णन, मैं भी वर्णन नहीं कर सकूंगा, उसका कोई पार नहीं है, इसलिए उसको तो छोड़ दे। छोड़ विरह की विशेषता का मैं कहां तक वर्णन करूं। So, तब विशेषण माने उसके गुणों का, अपरम माने अन्य गुणों का। मां बत बोधम इच्छो, उसको जानने की कोशिश मत कर। सा राधिका भगवती कुछ दीक्षते चेत प्रेमा तदानुभव मृक्षत मूर्तिमान स्वा शक्येत चेदन के गदित मेश तया तदैव शिष्कूय से तत्व में चेत भवति स्वशक्ति। जिस चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता है फिर उसकी बात मत करो। कोई वस्तु है उसका वर्णन किया जा सकता है तब तो उसकी बात करो, और यह कहकर के छोड़ दो कि डरा डरा करके उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, तो ये तो केवल भाव बढ़ाने वाली बात है, फिर उसका वर्णन फिर मत करो। वर्णन भी सो बात नहीं है, झूठ नहीं कह रहे हैं। उस प्रेम के तत्व को यदि जानना है और यदि कोई जान सकता है तो एक स्थिति यदि उसको प्राप्त हो जाएगी तो वो प्रेम के तत्व को जान लेगा। जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं है तब तक प्रेम के तत्व को नहीं जाना जा सकता।
एक स्थिति यदि किसी साधक के पास में सौभाग्य से आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब वो प्रेम के तत्व को जान सकता है। बोल कौन सी स्थिति? बोले यदि श्री प्यारी जो ललित लड़ने की अलग लड़ी श्री श्यामा जी यदि साधक को कभी दर्शन दे दे तब समझना चाहिए कि उसको प्रेम का तत्व अब वो समझ सकेगा, इसके पहले नहीं समझ सकेगा। राधा दर्शन के पूर्व प्रेम का अता पता ही थोड़ा थोड़ा टटोल टटोल करके भले देख ले उसका वास्तविक अनुभव नहीं कर सकता है। प्रेम का वास्तविक यदि दर्शन किसी को करना है तो श्री राधिका दर्शन होने पर ही प्रेम का दर्शन होगा। प्रेम क्या वस्तु है ये श्री राधिका दर्शन होने पर ही उस प्रेम का पता लगेगा, अन्यथा कहीं अता पता कहीं जेस्चर्स जो है उनको ही देखा जाएगा, टटोल टटोल करके देखा जाएगा, पूरा प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी बात को कह रहे हैं सा राधिका भगवती भगवत स्वरूपा श्री राधिका क्वचित ईक्षते चेत यदि कृपा करके किसी व्यक्ति को दिखाई दे जाए उसका साधन इतना दिव्य हो कि श्री राधिका दर्शन उसे हो जाए प्रेमा तदनुभवम इच्छति तब राधिका को देख करके वो पहचान पाएगा कि प्रेम क्या वस्तु है। राधिका और प्रेम दोनों एक चीज है, जो प्रेम है वही राधिका है, जो राधिका है वही प्रेम है, माने प्रेम ही मूर्तमान होकर के श्री राधिका के रूप में विराजमान है, माधना के महाभाव ही श्री राधिका के रूप में विराजमान। क्या बढ़िया बात, एकदम ये पक्की पक्की माने एकदम कहीं इधर उधर बहकाने वाली बात नहीं, अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये पिन पॉइंटेड जो बात है वो कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो तथ्य है उस तथ्य को कह रहे हैं कि प्रेम क्या वस्तु है इसको ये जानना है तो मूर्तिमती प्रेम स्वरूपा श्री राधिका का दर्शन यदि हुआ है तो प्रेम तत्व को जाना जाएगा, अन्यथा प्रेम तत्व को केवल टटोला जाएगा, उसको देखा नहीं जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता है। प्रेमा तदा अनुभवं इच्छति, प्रेम ही तब कहीं अनुभव का विषय बनेगा क्योंकि मूर्तिमान सह श्री राधिका के रूप में ही वह प्रेम मूर्तिमान हो रहा है। बोलो राधा रानी की जय, क्या सुंदर राधा रानी परमेश्वर दीदी की, राधा रानी नहीं है साक्षात प्रेमी है, प्रेम ही मूर्तिमान होकर के श्री राधिका के रूप में विराजमान है। श्याम सुंदर है सच्चित आनंद और आनंद तत्व मूर्तिमान होकर के कहीं विराजमान है तो उनके वाम भाग में श्री राधिका के रूप में विराजमान, स्वरूप ही श्री राधिका बनकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान है। जो स्वरूप है वही लीला में दो होकर के मूर्तिमान होकर के आनंद तत्व ही श्री राधिका के रूप में विराजमान है। शक्यत चेत गणित में एश तया तदैव, यदि कोई श्री राधिका का दर्शन कर ले तो शक्यत चेत गणित, और श्री किशोरी दर्शन करने से भी काम नहीं चलेगा, फिर किशोरी जी उसको इतनी सामर्थ्य प्रदान कर दे, उसमें इतनी दम हो इतनी बुद्धि हो और जवान में इतनी दम हो कि जो अनुभव कर रहा है उसको भाषा में कहीं उगल सके, भाषा में उसका बमन कर सके, जो अनुभव उसने किया है उस अपने अनुभव को कहीं भाषा में अभिव्यक्त कर सके, तो शक्यत चेत गदितु, जो राधिका का दर्शन करके उसे अपूर्व अनुभूति हुई उस अनुभूति को यदि भाषा के माध्यम से भी वह प्रकट कर सके तदैव श्रुएत तत्वमेव, तो भैया प्रेम तत्व को कोई सुन सकता है नहीं तो कहां से सुनेगा। भगवती स्वशक्ति ही है किसी में ऐसी शक्ति, किसकी मां ने ऐसा धोसा खाया है कि वो जो अनुभव किया उस अनुभव को वह कहीं अभिव्यक्त भी कर सके। तो एक तो प्रेम श्री राधिका के रूप में विराजमान है, राधिका पहले तो उसको दर्शन दे, फिर दर्शन देने के बाद में उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता भी प्रदान करें, वो भाषा भी प्रदान करें, तब जाकर के वह प्रेम के तत्व को
कहीं सुना सकता है और कोई सुन सकता है, अन्यथा वो सुनने कहने की वस्तु है ही नहीं। अब ऐसे प्रेम का, दुर्लभ वस्तु का सुलभ बनाने का एकमात्र तरीका, ठाकुर ने देखा कि ये प्रेम तो कभी सुलभ हो ही नहीं सकता है। श्री राधिका प्रेम कैसी वस्तु है, ये तो कभी सुलभ हो ही नहीं सकती है। उस समय उस प्रेम को प्रकट करने के लिए चेत कृष्णचंद्र से महावतार, कवि श्री कृष्णचंद्र का ही कोई महाअवतार हो, जहां पर भीतर श्री किशोरी जी विराजमान हो, भीतर कृष्णचंद्र विराजमान हो और ऊपर से श्री श्याम किशोरी जी की भाव और कांति इनको धारण करके यदि कृष्णचंद्र ही कभी प्रकट हो, तो चेत कृष्णचंद्र से महावतार है। कभी श्री कृष्णचंद्र का कोई महाअवतार हो, निताय गौर हरि को, कोई कृष्णचंद्र का ही ऐसा महाअवतार हो जो कि गौर भाव और कांति इन दोनों से युक्त हो, गौर कांति भी हो और गौर भाव भी, गौरी का भाव भी उसमें विराजमान। सचेत कृष्णचंद्र से महावतार है, कोई गौर अवतार हो, तात्विक निज प्रेम वितानकारी, और उस समय श्री गौर स्वरूप में श्री राधा रानी ही अपने प्रेम को विस्तृत करती हुई विराजमान हो, निज प्रेम वितानकारी, अपने प्रेम को विस्तृत करने वाली, अनुभव कराने वाली यदि कोई ऐसा अवतार हो, स्याद वा कदाचित यद राधिकाया प्रेमानुभूति, और यदि कोई श्री राधिका का तब उन महाप्रभु का चरणाश्रय ग्रहण करे तो श्री राधिका के प्रेम की अनुभूति हो सकती है, और तब उपैत्य थापि, जो अनुभव गम्य हो सकती है, तब उपैत्य अथापि, तो उन श्री तब उपैत्य मान उन महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करके, गौर आश्रय ग्रहण करके उस प्रेम का पालन का आस्वादन प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है। तो जैसे जैसे यथा यथा गौर पदांबुजे, जैसे जैसे श्री गौर के चरणामृत में प्रेम भक्ति अधिक होगी, वैसे वैसे ही श्री राधिका प्रेम की माधुरी का हृदय में स्फुरण होगा, ये निष्कर्ष की बात हुई। श्री प्रोधान सरस्वती जी अंत में यही निष्कर्ष कह रहे हैं कि जो जो जितना अधिक प्रेम श्री गौर चरणों में करोगे, उतना ही श्री राधिका प्रेम का अनुभव तुमको होगा, और गौर चरणों में प्रेम नहीं है तो श्री राधिका